मिश्रा जी प्लीज सिट डाउन। विप्लव ठाकुर यू स्टार्ट प्लीज। माननीय उपाध्यक्ष जी आपने मुझे समय दिया, मैं आपकी बहुत धन्यवादी हूँ। यहाँ आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हमारा बातचीत हो रही है, डिस्कशन हो रही है। ये विषय एक ऐसा विषय है जो सबको छूता है, जो सबसे जुड़ा हुआ है। हम अनाज के बिना नहीं रह सकते, हम खाने के बिना नहीं रह सकते, उसमें हमें अनाज चाहिए। चाहे गेहूँ है, चाहे चावल है, चाहे बाजरा है, चाहे जौ है, चाहे मक्की है, उसको कौन बीजता है, उसको कौन रोपता है, वो है किसान, जिसका दर्द यहाँ पे बताया जा रहा है, जिसे को समझने की ज़रूरत है। मैं ये जानना चाहती हूँ मंत्री जी से, क्या जिन किसानों ने आत्महत्या की है उनका कोई सर्वे किया गया? किस कैटेगरी को बिलोंग करते थे, क्यों उन्होंने आत्महत्या की, क्या रीजंस थे? पंजाब में जो आत्महत्या हो रही है, जिसकी अभी अविनाश जी ने बात भी की है, उसके पीछे आपने जाके देखा है क्यों वो मजबूर हुए हैं आत्महत्या करने के लिए? मैंने पहले भी आपसे सप्लीमेंट्री पूछा था, जिसका आप जवाब ठीक तरह से नहीं दे सकते। ये जो छोटा किसान है, जिसके पास दो दो एकड़, तीन तीन एकड़ जमीन है, वो बड़े बड़े किसानों से, बड़े बड़े जमींदारों से लीज पे खेती लेता है, लीज पे वो खेत लेता है, जमीन लेता है, जिसको वो बोता है इस आस से कि उससे इनकम होगी और वो अपना जो है छोटे उससे फसल से, छोटे खेतों से इतना लाभ नहीं हो सकता, अगर मैं ज़्यादा ज़मीन बोऊंगा तो मुझे लाभ होगा। लेकिन उस किसान को ना तो फर्टिलाइज़र की सब्सिडी मिलती है, ना बीज की के लिए कोई सहायता मिलती है, किसी प्रकार का कोई मदद उस किसान को नहीं दी जाती जो बड़े बड़े ज़मींदारों से जे लीज पे ज़मीन लेता है। इसलिए वो मजबूर होके साहूकार का दरवाज़ा खटखटाता है, जहाँ से वो पैसा लेता है। वो फसल खराब हो जाती है बारिश की वजह से, सूखा की वजह से। मंत्री जी ये तो है प्राकृतिक आपदाएं, लेकिन जो हमने पैदा की हैं आज बंदरों की वजह से, आज नील गाय की वजह से, आज सुअर की वजह से जो खेती खराब होती है, उसका कंपनसेशन कौन देता है, वो किसान की भरपाई कैसे होती है, ये हमारे किसी भी उसमें इसका कोई भी समाधान नहीं किया गया है। ये भी सोचने की बात है। आज हमारे हिमाचल में किसानों ने जमीन बोनी बंद कर दी है, क्योंकि सुअरों ने और बंदरों ने और गगाओं ने फसलों की फसलें खत्म कर दी हैं, खेत वीरान पड़े हुए हैं, खेती नहीं हो रही है, क्योंकि वहाँ पे जानवरों का इतना आतंक है। क्या आपने उसके बारे में कोई समाधान सोचा है? क्या उसके लिए भी कोई आपने उपाय किया है कि उससे उस खेती को कैसे बचाया जा सके? कोई है नहीं किसान के लिए। और जो ये छोटा किसान आज कह रहे थे कल जेटली जी कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इसलिए नहीं पैसा दे पाते कि उनकी गुड्स नहीं बिकती है, उनका व्यापार नहीं हो पाता है, इसलिए उनका जो है एनपीए माफ़ किया जा रहा है। और छोटे स्तर का किसानों का कर्ज क्यों नहीं माफ़ किया जाता? आज माल्या जी चले गए हैं इस देश को छोड़ के, आपकी सरकार क्या कर सकी? क्योंकि वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जा सकते हैं इस भूमि को छोड़ के, लेकिन छोटा किसान कहाँ जाएगा? किसान कहाँ जाएगा? वो अपनी धरती को छोड़ के, अपनी माँ को छोड़ के कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? लेकिन उसके लिए कुछ नहीं है, केवल बातें ही बातें हैं। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगी, उन किसानों के लिए सोचिए, उनका बीमा कीजिए, उनकी फसल की जो है उसके ऊपर ध्यान दीजिए कि वो जो किस तरह से अपने खेतों को बचा पाए, कैसे उसको सब्सिडी मिल सके। बड़े बड़ों को तो दी जा रही है, बीमा भी हो रहा है, बड़ी स्कीमें भी बन रही हैं, लेकिन जो ऐसा किसान है, पहले एक होता था कि बड़े बड़े जमींदारों ने टैनेट्स रखे हुए थे, वो खेती बोते थे, आधी उनको मिल जाती थी, आधी रख लेते थे, लेकिन आज वो प्रथा धीरे धीरे खत्म हो रही है और प्रथा आ रही है लीज की। ये सबसे बड़ी बात हो रही है पंजाब में, जो कि आज आत्महत्या के लिए मजबूर कर रहा है किसान को, उसको अपने बच्चों से बिछड़ने के लिए मजबूर कर रहा है। वो फेस नहीं कर पाता है उस साहूकार को जिससे उसने पैसा लिया है, उसकी कुर्की होने लगती है और वो कुर्की से डर के, उस शर्मिंदगी से डर के आत्महत्या कर लेता है, और क्या दिया जा रहा है उसको। सो इसलिए ये जो पीड़ा है, मंत्री जी इसको समझने की कोशिश कीजिए, इसको जानिए, केवल इन फाइलों में रह के काम नहीं बनेगा, प्रैक्टिकल जाके देखिए कि वो क्यों आत्महत्या कर रहा है, क्यों इतना ज्यादा वो जो है पिस रहा है, उसको देखना पड़ेगा।
लिखने से नहीं है, जाके उन किसानों के बच्चों से मिलिए, उन फैमिली से मिलिए, उनका दर्द समझिए। आज उसके पढ़ाने के लिए बच्चों का पैसा नहीं है, तो इसलिए मैं आपसे कोई वो नहीं करना चाहती, जो आप देते रहिए, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको उनकी तरफ भी ध्यान देना, उनके लिए भी स्कीमें बनानी पड़ेगी, उनको भी आपको राहत देनी पड़ेगी, उनको भी आपको सब्सिडीज देनी पड़ेगी। और ये जो साहूकारों की प्रथा है, बैंकों से कहिए, आज हर गांव में हमारे हिमाचल में कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जो गांव के ऊपर हैं, पंचायतों के उस पे, उनको पैसा दीजिए कि वो किसान की मदद कर सके, उनको थोड़े इंटरेस्ट के ऊपर वो उनसे पैसा ले सके और खेती कर सके, बीज ले सके, खाद ले सके। ठीक है, आपने जमीन की तो धरती की तो करवा ली, जैसे अभी कह रहे थे कि जी एक कार्ड बनेगा, हेल्थ कार्ड बनेगा जमीन का, उसका वो दुकानदार देख के बताएगा कि ये बीज लेना है या नहीं लेना है। no, लेकिन इससे मैं यही कहूंगी आपसे, कोई समाधान नहीं है। okay. इसको बड़े सीरियसली सोचे और इस बात को ध्यान से देखे कि आज हमारा अन्नदाता क्यों मर रहा है, क्यों जा रहा है, उसकी पीड़ा को समझ के उसका समाधान कीजिए, तभी ये सरकार आगे चल सकेगी, नहीं तो नहीं चल सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।